अभिनव कुमार अग्रिम आदेशों तक उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे। उन्हें उत्तराखंड के 12वें डीजीपी की जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड में पहली बार पुलिस विभाग में नया प्रयोग हुआ है। डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद एडीजी अभिनव कुमार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मित्र पुलिस की कमान किसी कार्यवाहक डीजीपी के हाथों सौंपी गई है। 1995 बैच के दीपम सेठ और पीवी के प्रसाद को सुपरसीड करके अभिनव कुमार की ताजपोशी हुई है। इसके अलावा अभिनव कुमार मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव भी बने रहेंगे। आपको बता दें कि यह पहला मौका है जब किसी को सीएम का अतिरिक्त प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार की छवि एक तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर है। इससे पहले वो हरिद्वार और देहरादून पुलिस कप्तान रहे हैं। कुछ महीनों तक उन्होंने आईजी गढ़वाल के पद पर सेवा दी है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीआरपीएफ में सेवा दी। जिस वक्त जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, अभिनव कुमार के हाथ में कमान थी। वे सीएम पुष्कर सिंह धामी के सचिव भी रह चुके हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड गठन के बाद अभिनव कुमार यहां आ गए थे। यहां उन्होंने विभिन्न जिलों की कप्तानी भी संभाली। वो 2009 में डीआईजी और 2014 में आईजी बने। आईपीएस अभिनव कुमार आईटीबीपी में जम्मू कश्मीर में तैनात रहे। अभिनव कुमार मीडिया में अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। उनका 9 साल पहले सत्यमेव जयते में प्रोग्राम में पुलिस को लेकर दिया गया बयान अब तक चर्चा में रहता है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पुलिस की तरफ से माफी मांगने के लिए भी एक पत्र लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।